कमर में क्या सिंह सिंह नहीं है, बाजा है उनका। क्या वो देखने में सिंह आता है लेकिन उसको बाजे के रूप में उन्होंने रखा हुआ है। वो जो ज्ञान बोलते हैं ना, वो ज्ञान भी एक तरह का सिंह का काम करता है। जानवर क्या करता है, किसी को मारेगा तो कैसे मारेगा, सिंह से मारेगा। वो उनका सिंगी बाजा है क्या। और ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु का रचयिता कौन, शिव है। शिव है, शिव है। शिव कहाँ से आया, यानी जो भी कहाँ से आया। तो उससे आपने नहीं पूछा तुम कहाँ से आए। तो आत्मा कहाँ से आई, उनसे पूछो, उनसे पूछो तुम कहाँ से आए। वो कहे हम तो आत्मा है। तो कहे तुम्हारी आत्मा कहाँ से आई। आत्मा कहाँ से आई, शिव बाबा से प्रगट हुआ। शिव बाबा से आई। और तो फिर मुसलमान होगा। मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने धरती बनाई, अल्लाह मियाँ ने हमको बनाया, अल्लाह मियाँ ने तुमको बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है। उसको बताओ कि आत्माएं तो अनादि हैं, आत्मा कभी बनाई नहीं जाती, और आत्माओं का बाप भी कभी बना बनाया है, बनाया नहीं जाता है। की ज्योति कोई स्थूल ज्योति है जो प्रकट होगी, वो ज्ञान की ज्योति है। वो ज्ञान के आधार पर संसार में प्रत्यक्ष होती है। सारी दुनिया समझती है कि ऐसा ज्ञान तो इस मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य मात्र में ना पहले था, ना हुआ, और ना आगे चल के कोई मनुष्य के अंदर ऐसा ज्ञान होगा। जिसमें आता है मुकर्रर रथ के रूप में, वो भी पहले क्या था, ज्ञानी था, अज्ञानी था, अज्ञानी था। तो वो भी उस तरह की ज्ञान ज्योति वाला नहीं है। ब्रह्मा से विष्णु बोला है, विष्णु को प्रवृत्ति मार्ग का मुखिया कहेंगे। प्रवृत्ति मार्ग का मुखिया है, विष्णु की माला बनती है प्रवृत्ति मार्ग में। मुखिया एक होता है, एक होगा प्रवृत्ति मार्ग होगा, मुखिया एक होता है। अगर हम कहें ये युगल मुखिया है तो ये रंग है, क्योंकि युगल में भी एक मुखिया है और एक असिस्टेंट है। तो दो को मुखिया नहीं कहेंगे, और विष्णु एक नहीं है, दो भी नहीं है, पांच है। पांच आत्माओं का कॉम्बिनेशन, उनके स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन, वो विष्णु कहा जाता है। हाँ ये कहेंगे उन पांचों आत्माओं में कोई एक आत्मा है जो जन्म जन्मांतर ऐसा पार्ट बजाती है कि उसमें विष अर्थात विषय विकार विविचार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए उस एक आत्मा को वैष्णो देवी का टाइटल दे सकते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग का नंबर वन तो कहेंगे ना उसको, प्रवृत्ति मार्ग के फाउंडेशन को डालने वाला विष्णु ही है ना। विष्णु जो डालने वाला हो खुद भी तो प्रवृत्ति में होना चाहिए। प्रवृत्ति में होगा, अभी वैष्णवी प्रवृत्ति में, जो वैष्णवी है वो प्रवृत्ति में है अभी नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति तो बनेगी ना, घी की बात कौन देखता है। वैष्णवी जब आएगी तब तो प्रवृत्ति, घी की बात नहीं देखी जाती,
वर्तमान देखा जाता है, इसलिए वो एक व्यक्ति नहीं है। ये विष्णु सिर्फ कॉम्बिनेशन का बोलने बोला है। विष्णु क्या होता है? कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु। हाँ, दो लक्ष्मी नारायण हैं। दो पेयर हो गए कि एक राधे कृष्ण की आत्मा जो दो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, वो दो हो गई और दो संगम की हो गई चार, और एक जगदम्बा की प्रवृत्ति नहीं बन रही वहाँ। फिर वो जगदम्बा की भले प्रवृत्ति ना हो लेकिन माँ के रूप में वो है जो सारे जगत की अम्बा है। उसको भी तो 21 जन्मों की प्रवृत्ति बनेगी ना। 21 जन्मों की 21 जन्म की प्रवृत्ति जगदम्बा की भी बनेगी। अगर उसकी खुद की प्रवृत्ति नहीं बनेगी तो फिर जगदम्बा की पूजा हिंदुओं में नहीं हो सकती। अभी जगदम्बा के साथ प्रवृत्ति उसकी है ना। प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। एक टाइम था हाँ जब दुर्गा शंकर नाम पड़ता है सत्युग बाबा। जब जगदम्बा जाएगी या उसके जो 12 ग्रुप हैं वो भी तो सत्युग में जाके जन्म लेगी। हाँ जी, तो उनकी भी तो प्रवृत्ति बनेगी ना बालू की। हाँ जी बनेगी बाबा। और चंद्रमा पे दो टक्कर मारा गया है। चंद्रमा पे नासा के द्वारा दो टक्कर मारा गया। हाँ हाँ, तो टक्कर तो मारते ही रहते हैं। चंद्रमा जो ज्ञान चंद्रमा है वो ज्ञान चंद्रमा उसके ऊपर जो ज्ञान की टक्कर लगती है महावाक्यों की, उसके लिए कोई निमित्त होता है या नहीं होता है? होता है। पहले भी 69 में आर्म से स्ट्रांग हुआ, वो भी तो चंद्रमा तक गया या नहीं गया? नहीं गया। पूरी सफलता उसे नहीं मिली, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हो गया। और ये जो ग्रह उपग्रह होते हैं वो तो छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है? छोटा रूप होता है। ज्ञान के जो पत्थर है वो भी छोटा रूप है या बड़ा रूप है? ज्ञान के जो पत्थर है वो अति सूक्ष्म है, इनकी भी टक्कर लगती है। जैसे हाथी तो बहुत बड़ा होता है, हाथी बड़ा होता है लेकिन उसमें गोली लगाई जाती है वो बहुत बहुत छोटी होती है। वो स्थूल बातें हैं। पहले ज्ञान की इतनी तीखी टक्कर नहीं मारी जाती थी। तीसरी मूर्ति को और अभी तीखी टक्कर लग रही है या धीमी टक्कर हो रही है? तीखे तीखे ज्ञान बाण निकल रहे हैं। जिससे भक्ति मार्ग में रामायण बनती है दिखाते हैं कि राम ने रावण को तीर मारा। रावण एक या रावण अनेक? अनेक। फिर उनमें नंबरवार सिर होंगे या एक जैसे सिर होंगे? तो अव्वल नंबर सिर कौन सा? इसलिए वेदों में एक ऋचा आई है रावण और ब्रह्मा। क्या वो ऋचा किसी की आंखों में आ नहीं रही है? जब टाइम आएगा तो शास्त्रकारों की बुद्धि में आ जाएगा कि वास्तव में जो रावण का प्रैक्टिकल रूप है ब्राह्मणों की दुनिया में
वो अज्ञान है या ज्ञान है? अज्ञान है। विदेशियों की आत्मा तो ज्ञान में तीखी होती है, बुद्धि में तीखी होती है या मंद बुद्धि होती है? ज्ञान में तीखी होती है। भारतवासियों को तमो प्रधान होने पर जड़ बुद्धि कहेंगे, लेकिन वही भारतवासी जब भगवान आता है, आत्मा की पहचान देता है, तो प्रैक्टिस करने से वो सूक्ष्म बुद्धि बनते हैं या तीव्र बुद्धि बनते हैं? तीव्र बुद्धि बन जाते हैं। लेकिन कृष्ण की आत्मा मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है। वो मंद बुद्धि की मंद बुद्धि ही रहती है या तीव्र बुद्धि रहती है? अभी भी मंद बुद्धि। लेकिन अति कांत तो होता है, कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा कि रावण की बुद्धि भस्म होगी और राम की विजय होगी। कब भस्म होगी? कब भस्म होगी? वो माता का पार्ट है ना, देह अभिमान माता में ज्यादा होता है या पुरुष में ज्यादा होता है? माता में देह अभिमान जास्ती होता है। जास्ती देह अभिमान के कारण उनका एक विशेष अवगुण है जो जल्दी जाता ही नहीं, जो अव्यक्त वाणी में बोला है कि माताओं ने अगर मोह के ऊपर जीत पाली तो समझो विजयी हो गई। तो माताओं की माता कौन है? जगदम्बा को भी चलाने वाला कौन है? ब्रह्मा। सर के ऊपर सवार है चंद्रमा के रूप में, वो ब्रह्मा वाली सोल अभी भी मोह में आ रही है। मोह में आती है तो बार बार कहां पहुंचती है? उन्हीं बच्चियों की पालना करने के लिए पहुंच जाती है। इसलिए बोला मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह का नाश हो जाए तब खेल खलास हो। रावण के नाभि में ज्ञान बल मारा गया ना, तो ज्ञान बल कौन था? नाभि कोई दूसरी चीज नहीं है, विष्णु की नाभि से कौन निकला? ये ब्रह्मा रूपी अधूरा जो स्वरूप है कहां से निकला? विष्णु की नाभि से निकला। और विष्णु की नाभि से जो भी नसे नाड़ियां 16,000 निकलती है, वो स्पष्ट कर रही है बात कि नाभि कौन है? है विजयमाला का है। वहां बुद्धि रखी हुई है रावण की, क्या विभीषण ने ये तरीका बता दिया, पोल पट्टी खोल दी। कि सीता नाभि है, उसमें रावण की बुद्धि धरी हुई, मन बुद्धि रूपी आत्मा कहां रखी हुई है? नाभि में रखी हुई। वो नाभि फूटेगी तो अज्ञान फूट जाएगा और रावण खलास हो जाएगा। मोह रखा हुआ है रावण का, नाभि में। आवाज आई?
ब्रह्मा देवता नहीं बने, फरिश्ता बने, ब्रह्मा देवता ही नमे, ब्रह्मा देवता नहीं बने फरिश्ता बने, ब्रह्मा देवता ही नमो का गायन क्यों है? हाँ, भारतवर्ष में सभी को मान दिया जाता है, क्या किसी का असम्मान भी किया जाता है? सबको मान दिया जाता है, और वास्तव में तो अकेले ब्रह्मा की बात नहीं है, सारे ही ब्राह्मण देवता बनते हैं, या कोई ऐसा ब्राह्मण भी है जो देवता नहीं बनता है? कच्चे ब्राह्मण सेमी देवता नहीं बनेंगे, स्वर्ग में नहीं जावेंगे, वो भी जावेंगे। तो ब्रह्मा के लिए ऐसी क्या दुश्मनी है जो ब्रह्मा देवता है कहने से आपको इतनी एनर्जी आ रही है? हाँ हाँ हाथ तो उठा दो। हाँ मैंने 18 जनवरी को बाप प्रत्यक्ष होने वाला है और उनके उनके बताने से बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो खुद बेसिक के बच्चे हैं, बेसिक नॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। हैं? अरे जो पहचान वाले होंगे वो प्रत्यक्ष करेंगे या बेसिक नॉलेज नहीं लेने वाले प्रत्यक्ष करेंगे? कौन बन जाएंगे संपूर्ण? बीके वाले संपूर्ण बन जाएंगे। आपकी नजर उनके ऊपर बहुत रहती है, आप सदैव उन्हीं को देखते रहते हैं क्या? है जन्म जन्मांतर का परिवार है लगता है, है? टीचर बहनों को देखते रहते हैं आप। अच्छा, इधर टीचर नहीं दिखाई, बंदरियां दिखाई पड़ती है क्या? अष्टदेव जो है वे लव ग्रह के रूप में माने जाते हैं, उसमें पृथ्वी भी ग्रह ही है, तो अष्टदेव जो है वे नव ग्रह के रूप में माने जाते हैं, उसमें पृथ्वी भी ग्रह ही है, तो पृथ्वी तो जगदम्बा को कहा जाता है, पृथ्वी की ग्रह के रूप में कैसी मान्यता है? पृथ्वी को नीचे कहेंगे या पृथ्वी को ऊपर कहेंगे? और ग्रहों के मुकाबले पृथ्वी नीची स्टेज में है या ऊंची स्टेज में है? नीची स्टेज। इसलिए नौवां ग्रह जो है उसको देव के रूप में नहीं माना गया, देव के रूप में उसकी पूजा नहीं हो रही है, अष्ट की पूजा हो रही है, वो भी दक्षिण भारत में मूर्ति बनाकर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं और उत्तर भारत में मंदिर और मूर्तियां अष्ट देव की नहीं बनाते हैं, ऐसे ही पटली के ऊपर नवग्रह बनाते हैं, उसके साथ साथ पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। बाबा संजीवनी बूटी का क्या है? संजीवनी बूटी का क्या है? सन माने संपूर्ण, जीवनी माने जीवन देने वाली, बूटी माने ज्ञान की बूटी, संपूर्ण ज्ञान का जो जीवन दे देने वे वो ही संजीवनी बूटी। जैसे कोई ज्ञान में से टूट जाता है, बहुत से ज्ञान में से टूटे हुए हैं, यहां बहुत तेरे ऐसे होंगे जो बेसिक ज्ञान से टूट गए थे, हाथ उठाओ कितने हैं? चलो 10-15 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ही टूटे हो, अनिश्चय बुद्धि हो गए हो, बीके में जाना बंद कर दिया हो,
हाथ उठाना जरा। बीके में ऐसे कितने थे जो अनिश्चय बुद्धि होकर के बैठ गए थे, बाद में उनको संजीवनी बूटी मिली और सर सब जो हो गए। दो है, तीन, चार, धीरे धीरे क्यों उठा रहे? डर रहता है कहीं पता नहीं बाबा क्या बात निकाल दे, हमारा झंडा नीचे हो जाए। बाबा 70 mm पे अमेरिका में विनाश का चलचित्र बन चुका है। हैं? 70 mm पे अमेरिका में विनाश का पूरा फिल्म बन चुका है। 70 mm का चित्र बन चुका है, टीवी में बताया है। 70 mm का, 70 mm का टीवी में विनाश का चित्र बन चुका है, ये बता दें। फिल्म बन चुका है, फिल्म बन चुकी विनाश की, 12 2012 21 दिसंबर का। अरे बाबा माया सभ्यता वाली, अरे वही माया सभ्यता वाली सीढ़ी जिसमें बताया गया 2012 में विनाश होगा, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप इसलिए उसकी बात कर रहे हैं कि आप उससे ज्यादा प्रभावित हैं, उनकी प्रजा आपको ज्यादा बनना है और भगवान के देवी देवता सनातन धर्म में प्रजा कम बनना है ना, इसलिए आप उसी का चिंतन करते रहते हैं और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सारी सभा के अंदर उसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कैसा है? अरे बाबा ने जो बात बोली है वो सच्ची होगी, उस पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। यह दुनिया दुनिया की बातें सुनाती रहती है, उन बातों का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि और दुनिया जो कुछ बोल रही है उसका सही अर्थ उनको पता नहीं है। जैसे 2000 के लिए भी बड़े बड़े ज्योतिषियों की बातें सुनाई गई थी, वो सारी झूठी साबित हो गई। ऐसे ही 2012 के लिए जो ये चारों तरफ अफवाह उड़ रही है कि पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी, स्थूल पृथ्वी की धुरी पहले चेंज होगी या जो सूक्ष्म रूप में चैतन्य रूप में पाठ बजाने वाली पृथ्वी माता है उसकी बुद्धि रूपी धुरी चेंज होगी? पहले तो यहां चेंज होना चाहिए और उसी का यादगार वो अभी सीढ़ियां बीढ़ियां बना के दिखा रहे हैं। बाकी 2012 में विनाश नहीं होने वाला है, निश्चिंत होके पुरुषार्थ करो। और बाबा सतयुग आदि में 9 लाख संख्या होती है और त्रेता के लास्ट में 10 करोड़ है, तो परसेंटेज में 111 गुना हो जाता है, है? परसेंटेज निकाला जाए तो 111 गुनी आबादी होगी। और त्रेता के अंत में कितना वो त्रेता तो सतयुग के अंत में कितनी आबादी हो जाती है? 2 करोड़। वो कितनी गुनी हुई? आपने टोटल निकाल लिया लेकिन बीच बीच में अंतर कहां पड़ता है वो तो निकाला ही नहीं। और सतयुग त्रेता की तो बात छोड़ दो क्योंकि वहां तो विकार और व्यभिचार होता ही नहीं, तो उसको द्वापर कलयुग से टैली कभी नहीं करना। और बोला कि मैं आकर 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, तो तीनों के लिए बाबा एक ही युग निमित्त बनती है या 3 अलग युग निमित्त बनती है तीनों धर्म की स्थापना करने की? रुको रुको रुको, बीच में टांग ना आओ। एक नियम है जो आपको भी मालूम होगा, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, अभी फेल होने की बारी है या अभी पास होने की बारी चल रही है? अरे अपने अपने जीवन में क्या रियलाइज कर रहे हैं, क्या हो रहा है? फेल हो रहे। राम की आत्मा भी आदमी क्या हुई?
एलुई। तो पहला ब्राह्मण सो पहला ये बता, वही पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य और वही पहला शूद्र। तो आपको जवाब मिल गया कि नहीं? और लेकिन जो सात बार है वो सात बार करते हैं, क्योंकि सात नारायण जो है वो अधूरे हैं या संपूर्ण है? जो अधूरे हैं, जो अधूरा है वो वार करेगा, आक्रमण करेगा, कि जो संपूर्ण है भरा पूरा है वो आक्रमण करेगा। है? भारत की परंपरा है कि भारतवासी जो सच्चा होगा वो कभी भी आक्रामक नहीं होगा, और जितने भी विदेशी हैं वो हमेशा आक्रामक बनते रहे, दूसरों के ऊपर वार करते रहे, विस्तारवादी बने रहे। भारत को विस्तारवादी नहीं कहेंगे, सारवादी है या विस्तारवादी है? सारवादी है। तो जो आठ नारायण है उनमें से एक भरपूर है या इनकम्प्लीट है? भरपूर है। एक भरपूर है। वो तो रविवार है ना बाबा? हाँ, वो तो रविवार है ना, जिसको हम रविवार कहते हैं, जो रविवार कहते हैं वो रवि से तो सारे ही गरम गरम पैदा हो गए, वो अकेले रवि की भी वास्तव में औलाद नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग की औलाद है या निवृत्ति मार्ग की है? ब्रह्मा कुमारियां अभी निवृत्ति मार्ग की है या प्रवृत्ति मार्ग की है? निवृत्ति मार्ग की है। तो रविवार की बात नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी दूसरे दूसरे धर्म हैं वो सब गर्म स्वभाव वाले, चंद्रवंश को छोड़ करके। बाकी जो ज्ञान सूर्य शिव है, जो निराकार है, जो निराकार को फॉलो करने वाले हैं, वो सब चंद्रवंशी से लेकर के और वंश वाले हैं। लेकिन एक सूर्यवंशी ही ऐसा है कि जब शिव आता है तो सूर्य को ज्ञान देता है। तो एक हो गए या दो हो गए? कितने हुए? प्रवृत्ति शुरू हुई या नहीं हुई? एक निराकार और एक साकार। इसलिए वो जो रवि जिसे हम कहते हैं वो उसका नाम नहीं है। इसलिए सात बार हैं जो वार करने वाले हैं। एक तो किसी के ऊपर वार करता ही नहीं, वो तो प्यार का सागर है, वार करने वालों को भी कन्वर्ट कर देता है। और महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी और शस्त्र उठा लिए थे, तो यहाँ पे अपने क्या? उन्होंने तो चक्कर उठा लिया, वो चक्कर तो पहिए का था, रथ का पहिया था ना, रथ कौन सा था? रथ शरीर रूपी रथ हुआ ना, तो शरीर रूपी रथ के अंदर ही ज्ञान का चक्कर घूमता है कि कहीं दूसरा घूमता है? है तो ज्ञान का चक्कर है। उन्होंने कोई हिंसक शस्त्र थोड़े उठा लिया, उनका जो विरोध है कि हम कोई हिंसक शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो उन्होंने नहीं उठाया। दो गणेश जी, एक गणेश जी बैठा हुआ, हाँ गणेश जी की गोद में भी एक बच्चा पैदा हुआ।
बैठा हुआ है, वो कौन है? एक बच्चा बैठा हुआ है और चित्र हमको दिखा आओ तब हम बात करें। और किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। और किसी ने देखा नहीं, हम भी देखना चाहते हैं। हाँ दूसरा बच्चा नहीं बैठा हुआ। नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं गणेश की गोद में गणेश जी बैठे बच्चा बैठा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने में और देखने में अंतर पड़ जाता है, तो कुछ का कुछ सुनने में आ जाता है, कुछ का कुछ देखने में आ जाता है, इसलिए दिखाना और लक्ष्मी के साथ सरस्वती और गणेश को दिखाते हैं, तो क्या लक्ष्मी के साथ सरस्वती और गणेश को? जैसे दीपावली में लक्ष्मी के साथ गणेश को दिखाते हैं, है? तो दीपावली नई दुनिया की शुरुआत है या नहीं है? नई दुनिया की शुरुआत है। तो सत्ययुग में जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तो लक्ष्मी जैसे ही बर्फ से बाहर निकलेगी तो बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? हाँ जो बच्चा पैदा होगा उसको देह अभिमान है कि नहीं कि मैं ही गीता का भगवान हूं? है देवान खत्म हो रहा है नहीं खत्म हो रहा है? क्या खास बात क्या हो गई? अच्छी बात है। और बाबा हाँ भक्ति मार्ग में कहते हैं कुछ ऐसी बात होती है तो अलग बातें करते हैं, तो कहते हैं कि धीरे धीरे बोलो नहीं तो दीवार की भी कान होती है, ये नहीं सुनने इसका मतलब क्या? वो तो ज्ञान मार्ग में भी कहते हैं कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। भक्ति मार्ग की बात क्यों? वो तो सच्चाई है ना, सनातन सत्य है। एक आदमी से बात करनी है, एक आदमी सामने बैठा है तो इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है जो हाल के दूसरे तरफ भी आवाज जाए? है बाबा हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम छोड़ा गया तो उसका प्रभाव अभी तक बताते हैं है? 20 मेगावाट का बम था है? 20 मेगावाट के बताते बम थे वो। हाँ? और जब 1936 में 2036 में ये इतने बड़े बड़े बम छूटेंगे क्या होगा बाबा? ये तो जबरदस्त बुद्धि चली दूर की छोर सोच ली। जिस समय 20 मेगावाट का छूटा था उस समय दुनिया में मूसलाधार बरसात नहीं हुई थी, और जब हजार हजार मेगावाट के फट पड़ेंगे उस समय क्या होगा? मूसलाधार इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कई दिनों तक कि दुनिया का टेम्परेचर ही एकदम जीरो से नीचे चला जाएगा, सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, जलमयी हो जाएगी। तो बर्फ में जो प्रदूषण होता है वो भी खत्म हो जाता है कि रह जाता है? खत्म हो जाता है। वो भी खत्म हो जाता है। भारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मारा होता है तो वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं अर्जुन और अश्वत्थामा लड़ने के लिए तो दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा होता है, द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मनुष्यों के ऊपर करने से क्यों वर्जित किया? ब्रह्मा जी का अस्त्र है, शस्त्र किसका है? ब्रह्मा जी का। जो ब्रह्मा जी का शस्त्र है वो ब्रह्मा जी को चलाना चाहिए, और ब्रह्मा जी का शस्त्र ब्रह्मा जी का वरदान
असुरों को फलित होता है या मनुष्यों को फलित होता है? असुरों को सारे वरदान मिले हुए हैं, उनका शस्त्र भी किसके ऊपर जाना चाहिए? असुरों के ऊपर ही जाना चाहिए। जो मनुष्य हैं उनके ऊपर चलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का तो विरुद्ध है। मनुष्यों को क्या बनाना है? ब्राह्मण बनाना है। तो शस्त्र कैसे चलाएंगे? न चलाएंगे न चलाने देंगे। ब्रह्मा तो दुनिया का सबसे बड़ी माँ है, रहम दिल है और सहन शक्ति वाली है। तो सहन करने का पाठ पढ़ाएगी या मनुष्यों को मारने का पाठ पढ़ाएगी? सहन करती रही, सहन करने का पाठ पढ़ाती है। और फिर अनुसुईया का पद किसका है? बाबा ने बोला मैं किसी के पाठ डिक्लेयर करने नहीं आया हूँ। डिक्लेयर तो आप ही करेंगे। आप ही करेंगे? ये तो नाक पकड़ के माता करवाना चाहते हैं। बाबा ने बोला कोई के पार्ट बाप दादा नहीं बतावेंगे, न बोर्ड पर लिखकर बतावेंगे, न कागज पर लिखकर बतावेंगे। माता बहुत चालाक है, इनके बताओ उनके बताओ उनके बताओ फिर हमारे भी बताओ। मनन चिंतन मंथन आप जितना करेंगे उतना आपका अपना पार्ट खुलेगा। या जो जितना मनन चिंतन मंथन ज्ञान का करेगा उसका उतना उतना पार्ट खुलता जाएगा। बाप दादा कोई का पार्ट खोलकर नहीं बनते, इशारे देते हैं ज्ञान के, उन ज्ञान के इशारों के आधार पर कोई का भी पार्ट समझा जा सकता है। परंतु वो ज्ञान के इशारे भी तब डिक्लेयर हो सकते हैं जब वो पार्ट बजाने वाला कुछ ऐसा पार्ट बजा के दिखा दे। पार्ट ही नहीं बजावेगा तो डिक्लेयर कैसे होगा? अपनी अपनी वाचा के आधार पर, अपनी अपनी कर्मणा के आधार पर, अपनी अपनी दृष्टि के आधार पर, अपनी अपनी वृत्ति के आधार पर हर आत्मा अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। उसकी वाचा ही उसके पार्ट को डिक्लेयर करेगी और प्रूफ सहित डिक्लेयर करेगी। मानना पड़ेगा कि हाँ इसका यही पार्ट है, दूसरा पार्ट किसी और का नहीं हो सकता। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के मुकुट पर मोती लटके हुए दिखाए गए हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के मुकुट पर तो मोती लटके हुए दिखाए गए और नारायण के मुकुट पर नहीं दिखाए गए। और जो राधे कृष्ण का है उसमें राधे कृष्ण के मुकुट पर मोती लटके हुए दिखाए गए और राधे के नहीं दिखाए गए। राधे को नहीं दिखाए गए, लक्ष्मी को दिखाए गए। जो लक्ष्मी है वो ऊंचे युग की है या नीचे युग की? वो तो ऊंचे युग की है। और जो नीचे राधा कृष्ण दिखाए गए हैं वो तो उस संगम युग के मुकाबले नीचे युग के हैं। और लक्ष्मी को मोती दिखाए गए हैं, नारायण को मोती नहीं दिखाए गए। तो जो भी रतन है नवरतन उनमें मोती की वैल्यू और रत्न को मुकाबले कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। लक्ष्मी तो माँ है ना, इसलिए जो भी रत्न है उन रत्नों में अगर मोती के समान भी कोई रत्न है तो उनको भी सर आंखों पे लगाती है। और बाप तो कमाऊ बच्चे को पहले पकड़ेगा, ज्यादा कीमती को पकड़ेगा या कम कीमत वाले को पकड़ेगा? ज्यादा कीमत वाले हीरे को पकड़ते हैं। और बाबा कृष्ण को दिखाए गए। हाँ तो उसका कृष्ण को क्या दिखाए गए? मोती लटके हुए। वही तो बात हुई,
कृष्ण भी तो अम्मा का पार्ट है ना, संगम युग में अम्मा कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा ही तो अम्मा है। बाबा सोनीपत, सोनीपत के बारे में कहते हैं श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को उपाल के मिठा के ले गया था तो सोनीपत में उसने आते ही अपने माता पिता से अपना भाड़ा मांग लिया था। भाड़ा मांग लिया माने किराया मांग लिया था कि सोनीपत के सच्ची बात से क्या दे दो किराया भाड़ा दे दो मेरे को क्या मांगा भाड़े में हाँ उसका भाड़ा क्या मांगा भाड़ा ये किसी को नहीं बता भाड़ा ये किसी को नहीं बता बस सिर्फ किराया मांगा ये पता अरे पूरी बात बताओ तो खर्चे निकले हाँ रावण के दशमुख दिखाते हैं ना हाँ रावण द्वापर से आता है हाँ रावण को तो द्वापर से ही पता होती है रावण की देह ईमान तो वहीं से स्टार्ट होता है ना तो रावण के बाएं साइड की जो पांच मुख दिखाए हैं वो पांच बाएं धर्म के मुखिया को दिखाया गया है बाएं तरफ की जो पांच मुख है रावण का वो पांच बाएं तरफ के धर्म को दिखाया गया उसके अंदर और दाहिने का जो पांच मुख है उसे प्रकृति के पांच तत्व को बताया गया है तो प्रकृति के पांच तत्व जो है वो दाहिने साइड के जो धर्म है उनका वो मुखिया वो ग्रहण कर रहे हैं क्या बाम मार्गी बाई ओर होगा और जो सीधा सीधा चलने वाला होगा वो दाई ओर होगा। चित्र तो चित्रकार बनाता है क्या, लेकिन हम सामने खड़े हैं देखने वाले तो देखने वाले के लिए दाया हाथ का ये हुआ और बाया हाथ का ये हुआ। ये दाई ओर के जो धर्म है वो प्रकृति के पांच भारतीय धर्म है प्रकृति जो है वो जड़त्वमयी है, बुद्धि नहीं है उतनी। विदेशियों को ज्यादा बुद्धि होती है या स्वदेशियों को ज्यादा बुद्धि होती है? विदेशियों को ज्यादा बुद्धि है, इसलिए वो बाई ओर दिखाए गए। दाई तरफ की आवाज बता, दाई तरफ जो मुख है वो जो दाई तरफ में जो धर्म दिखाई गई है ये और ऊपर सुगंधी चतुर्दशी वो उसको मुखिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? पांच मुख जो दाएं तरफ का है वो पांच धर्मों को रिप्रेजेंट करने वाली आत्माएं हैं क्या? ठीक है ऐसे समझ लो, मंत्री जो रावण बनते हैं तो दस धर्म की आत्माएं उनका पाठ जीतेगी या क्योंकि राम ही रावण बन जाता है राम रावण बनता है। अरे ये पांच पांडव भारतीय है या विदेशी है? अंतिम बाबा विजय तो होगी ना, वो कहाँ के हैं? भारतीय भारतीय हैं। और भारतीय कमजोर होते हैं या पावरफुल होते हैं? कमजोर होते हैं। कमजोर का पक्ष लेने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और दो महीने में माता निकल पाती है, संगम में आती है बाबा, और बाबा के लिए आती है, लालच लालच में कि बाबा मिल जाएंगे तो बाबा मिल नहीं पाते हैं? हैं? बाबा नहीं मिल पाते? बाबा मिलते ही नहीं संगठन में। वो बोल रहे माता में संगठन रखी है ना? हाँ। अरे माता इस लालच में आते कि बाबा से मुलाकात हो जाएगी। जब बाबा निवृत्ति मार्ग का है कि प्रवृत्ति मार्ग का? अरे बाबा निवृत्ति मार्ग का है कि प्रवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का है। माताओं का भी है तो पिताओं का भी है, बच्चियों का भी है तो बच्चों का भी है। आप ऐसे क्यों समझते हैं कि जब हम आएंगे माताएं इकट्ठी होंगी तब ही बाबा आएगा? ऐसी कोई बात नहीं, आ भी सकते हैं। वो तो हर शनिवार की बात संडे होता है। नहीं माताओं का संगठन क्लास होता है लास्ट शनिवार, लास्ट शनिवार तो उस संडे को अगर आए दूसरे दिन तो भाई भाई मिल जाएंगे, माताएं सारी मिल जाएंगी। अच्छा ये बात है, तो जितने भी आने वाले हैं वो लास्ट संडे को आएंगे क्या? माता ये चाहती है कि जितने भी आने वाले हैं महीने में सिर्फ एक बार आए। नहीं यही मतलब है आपका? मेरा ये मतलब
का यही मतलब है, क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि बाबा लास्ट संडे जब माताएं आती हैं शनिवार को, तो लास्ट संडे को जरूर आएंगे, क्योंकि माताओं का संगठन है। बाई चांस आ भी सकते हैं, बाई चांस आ भी सकते हैं, तो ये थोड़े पक्का हो गया कि जब जब माताओं का संगठन होगा शनिवार और शनिवार के बाद रविवार आएगा तो बाबा जरूर आएंगे। दूर दूर की माताएं आती हैं ना, महीने के संगठन दूर दूर की माताएं आती हैं शनिवार का संगठन। वो दूर दूर की आए या नजदीक की आए, वो ऐसा योग लगाएं कि बाबा अल्लाह संडे को ही आ जाए, तो भाई लोग ऐसा योग लगाएं जब जब आए तो उन्हें हर संडे को मिले। हरियाणा की माताओं को लगन लगी रही है संगम युग में, हरी आना, तो लगन की तो यादगार है। झूठी बात है, हरियाणा में नहीं याद, गीता कई बार गीता पाठ चलाऊंगे, और स्वार्थ की बात ना करो, परमार्थ की बात। हाँ, एडवांस में जो रुद्र के बच्चे हैं बाबा के, वो 2.25 लाख होंगे ना, 2.25 लाख पूरे रुद्रमाला के मड़के 2.25 लाख होंगे, तो ठीक है। समय में थे ये सब बच्चे, सब बच्चे शुरू में सिर्फ हैदराबाद में उस शहर के अंदर सब बाबा से मतलब ज्ञान लिए थे सारे बच्चे। अरे 9 लाख आबादी थी सिंध हैदराबाद की, और 4 तरफ अखबारों में निकल गया क्या कि भगवान कि कोई आया है, और सबको साक्षात्कार हो रहे थे, वो भी ये बात अखबारों में आ गई। तो जब हैदराबाद के अखबारों में सब में छप गया, तो ये बात चारों तरफ फैल नहीं गई कि भगवान आया हुआ, सारी पब्लिक ने जान लिया, नास्तिकों ने विश्वास नहीं किया, जो जितना परसेंटेज में आस्तिक थे वो भागे। अरे सूरज कहां से निकलता है, पूरब में निकलता है, तो पूरब में जब भगवान आएगा तो पूरब से आवाज निकलती है। अभी अमितवाणी में बोला ना, दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा, कलकत्ते से फिर आवाज निकलेगी, ज्ञान सूर्य बाप आया हुआ। तो पूरब से आवाज निकलती है माने पूरब से ज्ञान उदय होता है, पूरब से सूर्य निकलता है, फिर ढलता कहां है जाके, पश्चिम में ढलता है, तो वो पश्चिम की यादगार है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। क्या साक्षात्कार हुआ वहां, साक्षात्कार हुआ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा, या ज्ञान का उदय हुआ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा। नारायण को पूरा पूरा कपड़ा पहना दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और लक्ष्मी को आधी बांह दिखाई। आजकल जो भी है नारी से लक्ष्मी बनने वाली कन्याएं माताएं, वो ज्यादातर कलयुग के अंत में विदेशियों से प्रभावित होती है या भाई ज्यादा प्रभावित होते हैं, कन्या माता जास्ती प्रभावित होती है, तो बिलाऊ जी पहुंचते हैं ये आधे इधर खुले हुए और आधे पीछे खुले हुए, तो जब बिलाऊ जी भी ऐसे होंगे तो उनकी कुर्ती भी आधी बांध देखते रहो, नारायण को थोड़ा देवान कम होता है तो अपने पूरे कपड़े पहन पाने तो कच्ची कर रही है, ज्यादा ना बोल कच्ची कर रही है। हाँ।
दान देते हैं, जो यज्ञ सेवा करते हैं दान देते हैं, बाबा को जो भी दान देते हैं स्थूल पैसा पैसा आदि, कोई बाबा को पैसा देते हैं जैसे यज्ञ में सेवा करते हैं, तो क्या बाबा को डायरेक्ट देना चाहिए या नियमित बहन को किसी को देना अच्छा है? जैसे भी बोलने में बोला है ब्रह्मा कुमारी को या कोई को भी दिया तो हिसाब किताब देने लेने का आपका किसके साथ बनेगा? जैसे बाबा ने निमित्त बनाया किसी को, निमित्त बनाया वो ठीक, लेकिन जहां बाबा अवेलेबल होता हो, जिसके तुम भगवान कहते हो, तो वो बराबर वितरण करेगा या कोई देहदारी ज्यादा वितरण बढ़िया करेगा? भगवान करेगा, भगवान वितरण अच्छा करेगा, और देहदारी कुछ न कुछ देवान आएगा या नहीं आएगा, कुछ न कुछ स्वार्थ आएगा या नहीं आएगा, बोलो ना। हाँ ना, अगर हम निमित्त बैंक तो देते तो बाबा के बारे में सोचता होगा? बाबा ने निमित्त बना दिया, उसको इंचार्ज बना दिया, बाबा के हाथ में है, जब गड़बड़ देखे तो दूसरे को मौका दो भाई। बाबा से रसीद भी मिलती है वैसे बाद में, हैं? बाबा से लेटर भी मिलता है। हाँ, जिनको निमित्त बनाया है उनको जो कुछ दिया जाता है उसका बाबा से पावती भी जाती है। क्या तो पावती से समझ सकते हैं कि हमारा ठिकाने में पहुंच गया, यज्ञ में स्वाहा हो गया या नहीं हुआ? नहीं। संकल्प स्टेज जब धारण होगी बोलता है कि जब आत्मा पावरफुल होती जाएगी शरीर सटते जाएंगे, तो बोला है कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी शरीर सटते जाएंगे, तो ये संकल्प स्टेज जो है तो लगभग 36 तक, मतलब कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि होना है फिर खत्म होना है, देव आदमी आना है, क्योंकि 36 में कंचन का बनेगा संकल्प स्टेज तो अभी भी बनती है, लेकिन फिर देव आदमी भी माया लेके आने लगी है, इसी कंटिन्यूटी कब तक बनती रहेगी, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि बस जैसा पुरुषार्थ वैसी प्राप्ति? नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकती है, नंबर है ना। पुरुषार्थ में पुरुषार्थ करने वालों के नंबर है ना, नंबर वार पुरुषार्थ है तो नंबर वार प्राप्ति है। इंडिकेशन तो दिखेगी ना कि आत्मा का ज्यादा समय तक आत्मिक केचन में टिक रही है, इंडिकेशन है ना, वो सही सरने का इंडिकेशन है। जितने भी प्यार सतयुग में जाएंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा खुशी किसकी दिखाई पड़ेगी? लक्ष्मी कृष्ण ज्यादा रहेंगे। अरे लक्ष्मी नारायण को सबसे ज्यादा खुशी में दिखाया जाता है, तो ऐसे ही नंबर वार खुशी होगी, वो खुशी ही दिखाएगी कि अव्यक्त निराकार स्टेज ज्यादा है। खुशी नहीं है तो देवान। और इस कल्प के जो सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट आत्मा उतरेगी ब्रह्मधाम से, उसको जो है आगे पुरुषार्थ करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, उस वो कैसे पुरुषार्थ करेगी? वो पुरुष है या कीड़ा मकोड़ा है? कीड़ा मकोड़ा। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। वो अपने को शरीर रूपी पुरी में चयन करने वाली आत्मा कभी समझ पाती है? नहीं, समझ ही नहीं पाती। इसलिए 500 550 करोड़ मनुष्य मुरली में बताए हैं, कभी कभी बोल दिया है कि 700 करोड़ मनुष्य, वो वास्तव में मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य उनको कहा जाता है जो मन का उपयोग करे, मन चिंतन मंथन करे, बरसात का पतंगा रात में जन्म लेता है, रात में ही खत्म हो जाता है। ये कीड़े मकोड़े ये क्या मनन चिंतन मंथन करेंगे? वो मनुष्य के नाम पर कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य तो वास्तव में है ही नहीं। बाप को भी नहीं पहचानेंगे जी, हैं?
बाप को भी नहीं पहचान सकते। बस कीड़े मकोड़े क्यों रहे फिर? बाप को पूरा पहचानेंगे तो देवता नहीं बनेंगे, नहीं तो जानवर बनेंगे। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाति थोड़े ही है, लेकिन 84 लाख मनुष्य योनियों के स्वभाव संस्कार तो धारण करती है कि नहीं करती है? करती है। भारत में 2000 साल पहले अलेक्जेंडर आया, कहां यूरोप से लेकर के यहां तक मारकाट मारकाट मचाते मचाते चला आया, उसे मनुष्य कहेंगे? है? उस वो मनुष्य था तो मन में उसने सोचा इस बात को कि इस तरह हम मारकाट मचाते चले जा रहे हैं, अपना साम्राज्यवाद बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर इसको हम भोग सकेंगे? यहां के एक मनन चिंतन करने वाले सन्यासी ने उसे फिर भी बता दिया, एक सिकुड़ा हुआ बड़ा चमड़े का टुकड़ा लिया और जमीन पर डाल दिया और कहा इधर खड़े हो, इधर खड़ा होता है तो इधर ऊंचा हो जाता है, इधर खड़े हो, इधर खड़ा हुआ तो उधर ऊंचा हो गया। माना एक तरफ जीतता जाता है और दूसरी तरफ जहां जीत करके आगे बढ़ता गया वो लोग सर उठा जाते हैं, सर ऊंचा कर देते हैं। तो क्या मतलब निकला? उसी के दुश्मन बन है, उसी के दुश्मन बन जाते हैं। अरे स्वतः ही सहज ही जो कुछ मिलता है वो लेना अच्छा है या मारकाट मचा के लेना अच्छा है? ये तो खूंखार शेर जानवर हो गया, उसको मनुष्य कहेंगे? मनुष्य है कि मनुष्य के वेश में जानवर है? जानवर है। ब्रह्मा बाबा पांच है, बाबा पांच ब्रह्मा है। ब्रह्मा के लिए कहा कि बड़ी से बड़ी माँ, बड़ी से बड़ी माँ का पाठ बजाने दादा लेकर आए थे। इसके अलावा चार तो और भी तो माँ है ना, वो नंबर माँ है। वो नंबर वन माँ जो पांच माँ बन रही है तो वो पांच धर्मों की धारणा शक्ति है, पांच धर्मों को धारणा शक्ति धारण करने वाली माता है या कैसी माँ है फिर? कोई नंबर वन अब्बल नंबर दादा लेकर आत्मा हो गई, प्रजा पिता की आत्मा भी माँ। माता का गायन भारत देश के लिए है या कोई दूसरे देश के लिए? भारत देश है, भारत मातृ प्रधान देश है। इस मातृ प्रधान देश में ही पांच पांडव हुए हैं। ये पांच पांडव नंबर बार माताओं का रूप भी धारण करने वाले हैं। उनमें अव्वल नंबर माता कौन हुई सहन शक्ति वाली? दादा लेखराज। वही धर्म का राजा, प्रजापिता की आत्मा भी तो बाबा माँ हो गई ना। है माँ, माँ है, लेकिन माँ का पार्ट ब्रह्मा जैसा सहन शक्ति का बजाता है या कुछ नीचा रह जाता है? बस ओ।